नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली का नौपथ रोड और 18 पथ मार्ग, जहां पर सरकारी बंगले जो अपने आप में किसी महल से कम नहीं, जहां पर कई राजनीतिक घरानों की दशकों सालों तक जिंदगियां गुजरी हैं, यहीं से राजनीतिक नीतियां भी बनती थी, यही होता था पूरे हरियाणा पर नियंत्रण। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद करारी हार के बाद इनेलो कांग्रेस और जेजेपी को अपने कार्यालय और घर के लिए अब नया ठिकाना ढूंढना होगा। ये आलीशान बंगले अब उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। पूरे हरियाणा में करारी हार के बाद और विधानसभा चुनाव के लिए भले ही जेजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की चाबी मिल गई हो, मगर उन्हें सरकारी सपनों के घर की चाबी को छोड़ना होगा। तीनों ही राजनीतिक पार्टियों की करारी हार के बाद साइड इफेक्ट आने आरंभ हो गए हैं। पहला साइड इफेक्ट हुड्डा परिवार व अजय सिंह चौटाला परिवार के पास आया। दोनों परिवार दिल्ली में पिछले लगभग 28 से 30 सालों से सरकारी बंगलों में रह रहे थे। अब दोनों ही परिवारों को ये बंगले खाली करने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने नोटिस जारी करके 24 जून तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 9 पद मार्ग पर व अजय सिंह चौटाला को उनके बेटे दुष्यंत चौटाला को 18 जनपद मार्ग वाला बंगला खाली करने को कहा गया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार जब 1991 में सांसद बने तो उनके वह 3 बार सांसद रहे और 3 बार उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे। इसी दौरान लगभग 28 वर्षों तक उनके पास नौ पंत मार्ग का बंगला रहा। वहीं दूसरी ओर अजय सिंह चौटाला परिवार के पास लगभग 20 सालों से 18 जनपद मार्ग पर यह बंगला है। अब अजय सिंह चौटाला को पहली बार जब सांसद बने थे तो उन्हें बंगला अलॉट किया गया था। उसके बाद जब वे सांसद नहीं थे तो इन्हें लोग के किसी न किसी सांसद के नाम पर यह बंगला उन्हें मिलता गया। उसके बाद 2014 में उनके बेटे दुष्यंत चौटाला जब सांसद बने तो उन्हीं के नाम पर यह बंगला अजय सिंह चौटाला के पास रहा। बताया जाता है कि यह बंगला अपने पास रखा था उन्होंने, और इनेलो का बीजेपी से अलग होने के बाद 18 जनपद मार्ग का जेजेपी का कार्यालय भी यही बंगला था। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी उनका 9 पद वाला बंगला रहा था, लेकिन अब हार के बाद इन दोनों ही परिवारों को ये बंगले सरकारी कोठियां खाली करनी पड़ेंगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।